Hello dear student, welcome you all again in this lecture video. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of APP 5311, which is Diseases of Fill and Horticultural Crops and Their Management Part 1. So, in previous lecture video, we had discussed about the downy mildew of Bajra and today we will discuss about the ergot. So, let's start from introduction. So, ergot of pearl millet is caused by Claviceps fusiformis, which is a fungus, and this disease is very important because jahan jahan pe pearl millet grow kiya jata hai, chahe wo India ho ya out of India ho, wahan pe har jagah pe is disease ko dekha ja sakta hai ya dekha gaya hai. To ye jo disease hota hai wo mostly kya karta hai, ye directly jo grain yield ko loss karta hai. Iske alawa ग्रेन यील्ड को लॉस करने के साथ साथ ही जो इसके ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक टॉक्सिक स्क्लेरोशिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये स्क्लेरोशिया क्या होते हैं, अल्कोलाइट कंटेन किए रहते हैं जो कि हमारे कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. यानी कि इस तरह के इन्फेक्टेड प्लांट के ग्रेन्स का हम कंजप्शन नहीं कर सकते क्योंकि वह हमारे लिए अनफिट है, अनहेल्दी है. सो क्योंकि अगर हम इस तरह के स्क्लेरोशियम कंटेनिंग ग्रेन को हम अगर कंज्यूम करते हैं तो हमें नॉजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, इसके अलावा फैटनिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसलिए हमें इस तरह के इन्फेक्टेड पैथोजन से हमें इस तरह के प्लांट के इल्ड को नहीं कंज्यूम करना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए. सो मोस्टली ये डिसीज़ है बहुत ही अधिक मात्रा में ग्रेन यील्ड को लॉस करता है जो कि 58 से 70% तक एस्टिमेट किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिम्टम्स. सो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्लैविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस है. सो सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को सीधा इमेज दिखाना चाहूँगी. सो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो फर्स्ट इमेज है उसमें आपको कुछ स्टिकी ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, लिक्विड समान एक लिक्विड दिखाई दे रहा है. ये जो लिक्विड्स होते हैं या इसे हम हनी ड्यू कहते हैं, और ये क्या मोस्टली जो सिम्टम्स हैं वह केवल और केवल आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टेज में ही देखने को मिलेगा. आपको किसी भी तरह से लीफ में कोई इन्फेक्शन नहीं मिलेगा. आपको डायरेक्ट जो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा वो आपको इसके फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज में देखने को मिलता है. तो फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है, कुछ ड्रॉपलेट्स जो आपके स्पाइकलेट्स हैं उससे ड्रॉपलेट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इसे हम हनी ड्यू कहते हैं, और ये जो हनी ड्यू ड्रॉपलेट्स हैं वो स्टार्टिंग में पिंकिश होते हैं और धीरे धीरे ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं. ये चिपचिपे होते हैं और जैसे जैसे ये जो एक्सक्यूट होते जाते हैं, यानी कि ये जो चिपचिपे पदार्थ हैं, ये जो हनी ड्यू लाइक मटेरियल है, जैसे जैसे ये एक्सक्यूट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, वैसे वैसे इसमें क्या होता है, जो स्क्लेरोशिया है उसका फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है. स्क्लेरोशिया जो फॉर्मेशन है, जैसे कि आप जो आपका थर्ड इमेज है जिसमें आपको लास्ट इमेज आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक की स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये ब्लैक की स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे जैसे ये हनी ड्यू है, ये हनी ड्यू क्या होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं, और जो एम्ब्रियो हैं वो एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं, वो स्पाइकलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये स्पाइकलेट्स के अंदर क्या बनता है, स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन होता है. ये जो स्पाइकलेट्स हैं इसे हम स्क्लेरोशियल स्पाइकलेट्स कहते हैं, और ये स्पाइकलेट्स क्या होते हैं, स्क्लेरोशिया से भरे हुए होते हैं, और ये जो इनका जो कलर होता है वो मोस्टली डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है. सो ये तो पहला हमारा कौन सा स्टेज आता है, आपका एक हनी ड्यू स्टेज आता है, और दूसरा आता है आपका स्क्लेरोशियम स्टेज आता है. तो जो हनी ड्यू स्टेज होता है उसमें बहुत सारे जो इंसेक्ट है वो भी अट्रैक्ट होके प्लांट में स्पाइकलेट्स की तरफ अट्रैक्ट होके इसमें फीडिंग करने आते हैं, और जब ये फीडिंग करते हैं तो उसी टाइम पे क्या करते हैं, ये इस हनी ड्यू को अपने बॉडी में एक्वायर कर लेते हैं. अगर किसी हेल्दी प्लांट में ये अगर सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, तो ये क्या करेंगे, तो भी ये हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देंगे. सो जैसे कि मैंने सिम्टम्स बताया कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेज है उसमें उसे हम कहते हैं हनी ड्यू स्टेज. हनी ड्यू स्टेज में स्मॉल ड्रॉपलेट्स
निकलते हैं जो कि लाइट पिंकिश कलर के होते हैं और धीरे धीरे ये ब्राउनिश कलर के होने जाते हैं होते जाते हैं। जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, स्टिकी होता है और स्पाइकलेट्स को इन्फेक्ट कर देता है। ये जो स्पाइकलेट्स हैं बाद के स्टेज में क्या होते हैं, जो ओवरीज होती है वो स्मॉल डार्क ब्राउन के स्क्लेरोशियल बॉडी में कन्वर्ट होने लगती है और धीरे धीरे सीड को भी इन्फेक्ट कर देती है। इसके अलावा जो ये स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि सीड की जगह पे जो ये स्क्लेरोशियल बॉडी प्रोड्यूस हो रही है, इनका जो टिप होता है वो पॉइंटेड होता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि टिप के इसका जो एपेक्स है वो कैसा है, वो पॉइंटेड है। सो ये था आपका सिम्टम्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इटियोलॉजी। सो जैसे कि इसका डोमेन यूकैरियोटा है, किंगडम फंजाई है, जो इसका फाइलम है वह है एस्कोमाइकोटा, यानी कि एक एस्कोमाइकोटा ग्रुप का फंगस है। जिसका फाइलम है एस्कोमाइकोटा, सब फाइलम है पिजिजोमाइकोटिना, क्लास है इसका सॉर्डेरी माइसिटीज, सब क्लास है हाइपोक्रियोमाइसिटिडी, ऑर्डर है इसका हाइपोक्रियल्स, फैमिली है क्लैवी सीपीटीसी, जीनस है आपका क्लैविसेप्स एंड स्पीसीज है फ्यूजीफॉर्मिस। ये था आपका टैक्सोनॉमिकल ट्री। अब हम देखते हैं फंगस। जो फंगस होता है वो इसमें दो स्टेज होते हैं, एक होता है आपका सेक्सुअल स्टेज और एक होता है एसेक्सुअल स्टेज। तो जो पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल स्टेज के बारे में। तो जो एसेक्सुअल स्टेज में क्या होता है, जो पैथोजन है वह कुनिडिया प्रोड्यूस करता है, और इसमें दो तरह के कुनिडिया प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मोस्टली जो हनीड्यू स्टेज है उसमें या एसेक्सुअल स्टेज में होता है। तो एसेक्सुअल स्टेज में आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कुनिडिया प्रोड्यूस हो रहा है, और इसमें दो तरह के कुनिडिया प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है मैक्रो कुनिडिया और एक होता है माइक्रो कुनिडिया। सो बेसिकली दोनों कुनिडिया ही होते हैं, सेम होते हैं, बस साइज अलग अलग होने के कारण इन्हें मैक्रो कुनिडिया और माइक्रो कुनिडिया नाम दिया गया है। सो मैक्रो मीन्स साइज में बड़ा और माइक्रो मीन्स साइज में छोटा। पहले हम देखते हैं मैक्रोकुनिडिया। जो मैक्रोकुनिडिया होता है वो हाईलाइन होते हैं, फ्यूजी फॉर्म होते हैं और यूनिसेलुलर है। जैसे कि मैंने पहले बताया हाईलाइन हम किसी पैथोजन के स्ट्रक्चर को तब कहते हैं, जैसे कि हम जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको क्या होता है, आपको एक पैथोजन का केवल आउटलाइन दिखता है, उसका आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखता, उसका केवल एक आउटलाइन आपको, जैसे कि हम किसी मतलब हम पानी का बूंद डालते हैं तो उसका हमें आउटर देखने को आउटर देख के हमें समझ आता है कि हाँ यहाँ पे एक पानी की ड्रॉपलेट गिरी हुई। तो सेम हाईलाइन का मीनिंग होता है कि जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कि पैथोजन का जो स्ट्रक्चर होता है केवल उसका आउटर बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है, जिससे हमें उसका शेप पता आता है, इसलिए हम उसे हाईलाइन कहते हैं। हाईलाइन इसलिए क्योंकि वह एक तरह से ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो उसका आउटर बॉडी के कारण हमें क्या हो उसका स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। तो जिसका कलर है वो उसका क्या हाईलाइन है, और जो उसका शेप होता है वो क्या होता है, फ्यूजी फॉर्म होता है और एक यूनिसेलुलर होता है, मतलब उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। सो जो उसका साइज है वह 12.02 26.4 × 2.4 to 6 माइक्रोमीटर तक इसका साइज मेज़र किया गया है। इसके अलावा जो मैक्रोकुनिडिया है वह 1 to 3 जर्म ट्यूब के टॉप पे प्रोड्यूस होते हैं, या तो ये मतलब एक मैक्रोकुनिडिया को प्रोड्यूस होने में 1 to 3 जर्म ट्यूब की हेल्प लगती है, जबकि जो माइक्रोकुनिडिया होता है वह केवल एक जर्म ट्यूब से ही प्रोड्यूस होता है। जो माइक्रोकुनिडिया क्या है, यह भी हाईलाइन होता है, पर जो इसका शेप होता है वह क्या होता है, ग्लोबुलर साइज का होता है, पर यह भी यूनिसेलुलर होता है, और इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो माइक्रोकुनिडिया से छोटा होता है, तो इसका साइज क्या है, 2.4 to 10.8 × 1.22 to 4.8 माइक्रोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि साइज़ में कितना डिफरेंस है, माइक्रोकुनिडिया का साइज़ ज़्यादा है और माइक्रोकुनिडिया का साइज़ कम है। सो जैसे कि मैंने बताया कि दोनों ही मैक्रो और माइक्रोकुनिडिया क्या होते हैं, जर्म ट्यूब के टिप पे प्रोड्यूस होते हैं और एक चेन में प्रोड्यूस होते हैं। आपको इमेज देखने समझ आएगा। इमेज ए में आप जो ए है आप देख सकते हैं, ये है आपका मैक्रोकुनिडिया, जैसे कि यह हाई लाइन है ना। नेक्स्ट आप देखते हैं बी, बी में देखेंगे आपका ये है माइक्रोकुनिडिया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का साइज शेप दोनों में ही बहुत ही डिफरेंस है। सी में आप देखेंगे जो सी इमेज है वह किस तरह से माइक्रोकुनिडिया जर्मिनेट हो रहा है। ये था आपका ए बी सी, ए माइक्रोकुनिडिया, बी माइक्रोकुनिडिया और सी जर्मिनेटिंग माइक्रोकुनिडिया।
डी में आप देखते हैं कि किस तरह से जर्म ट्यूब के एपेक्स पे मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया प्रोड्यूस हो रहा है। डी में जो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका मैक्रोकोनिडिया है, जो टिप पे टॉप पे आपकी जो एपेक्स प्रोड्यूस है वो आपका मैक्रोकोनिडिया। और इसके अलावा जो आपका लास्ट दो इमेज आप देख सकते हैं किस तरह से माइक्रोकोनिडिया जर्म ट्यूब के टिप पे एक चेन के समान एक के ऊपर एक बना हुआ है। तो ये था आपका एसेक्सुअल स्टेज जो कि मोस्टली हनीड्यू स्टेज में बनता है। इसके बाद होता है सेक्सुअल स्टेज जो कि क्या होता है, सेक्सुअल स्टेज में क्या होता है आपका स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस होता है। सो सेक्सुअल स्टेज देखते हैं। सो सेक्सुअल स्टेज में क्या होता है, स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस होता है और ये स्क्लेरोशिया स्मॉल होते हैं, डार्क ग्रे कलर के होते हैं बट अंदर से वाइट कलर के होते हैं। इसके अलावा जो स्क्लेरोशिया का साइज़ होता है वह 3 to 8 mm लॉन्ग एंड 0.3 to 15 mm ब्रॉड होता है। सो जो स्क्लेरोशिया होता है वह 1 to 16 फ्लैशी पर्पलिस टिप्स प्रोड्यूस करता है जिनका साइज 6 to 26 mm लॉन्ग होता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे है वह ब्लैकिश आपको दिख रहा है, जो डार्क ब्लैकिश ब्राउन इमेज आपको कलर क्लियरली समझ नहीं आएगा लेकिन जो उसका कलर होता है एक्चुअल में ग्रे होता है और जो उसका स्टिप होता है वो पर्पल ही होता है बट इमेज में आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे है ये वाला पोर्शन ये क्या है, ये आपका है स्क्लेरोशिया और स्क्लेरोशिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका, उसके ऊपर एक पर्पलिस टिप का प्रोडक्शन होता है। ये पर्पलिस टिप्स क्या हो सकते हैं, 1 to 16 पर्पलिस टिप्स का प्रोडक्शन होता है एक सिंगल स्क्लेरोशिया के ऊपर और इसी स्टिप्स के ऊपर पे एक ग्लोबुलर कैप्टी इसके एपेक्स पे यानी कि उसके टिप पे इस टिप बियर करता है एक ग्लोबुलर कैप्टुलम को। ये कैप्टुलम जो होता है वह लाइट टू डार्क ब्राउन का कलर होता है और इन कैप्टुलम के अंदर जो होता है पेरिथीशिया का प्रोडक्शन होता है। ये जो पेरिथीशिया होते हैं वह पायरीफॉर्म होता है। आप देख सकती है किस आपको समझ आ गया होगा कि स्क्लेरोशिया पहले फॉर्म होता है, स्क्लेरोशिया के बाद उसके ऊपर पे फॉर्म होता है स्टिप्स और इन्हीं स्टिप्स के सबसे टॉप पे यानी कि एपेक्स पे फॉर्म होता है ग्लोबुलर कैपिटुलम और इस कैपिटुलम के अंदर होता है पेरिथीशियम। सो जैसे कि ये एस्कोस्पोर, इसमें एस्कोमाइकोटा फाइलम का है तो इसमें ऑब्वियसली एस्कोस्पोर ही प्रोड्यूस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका पेरिथीशिया, जो सबसे ऊपर में स्ट्रक्चर में जो शेप दिख रहा है इसी को कहते हैं हम पायरीफॉर्म और यही है आपका पेरिथीशिया। पेरिथीशिया के एपेक्स पे आप देख सकते हैं यानी कि ऊपर पे ये आपका पैराफाइसिस है। आपने जैसे फर्स्ट ईयर में आपने फंडामेंटल और प्लांट पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि पायरीफॉर्म क्या पेरिथीशिया क्या होता है, पैराफाइसिस क्या होता है, पैराफिसॉइड क्या होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें बनता है पैराफाइसिस बनता है। पैराफाइसिस क्या होता है, एक स्टराइल स्ट्रक्चर है। सो ये था आपका पायरीफॉर्म पेरिथीशिया और उसके टॉप पे आप देख सकते हैं पैराफाइसिस और जो आपका डी है, डी ये आपके हैं एस्कोस्पोर। तो इसमें कैसे जो आपका एस्कोस्पोर है वो कैसे लॉन्ग है, लॉन्गिट्यूडनल शेप का है और इसका क्या है टिप इसका पॉइंटेड है। सो ये था आपका इटियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसीज साइकिल। अगर आपको इटियोलॉजी में कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीज साइकिल। सो डिसीज साइकिल में क्या है, ये जो पैथोजन है वो मोस्टली सॉइल बॉर्न और एयर बॉर्न होता है। सो जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो सॉइल बॉर्न स्क्लेरोशिया के कारण होता है। ये स्क्लेरोशिया क्या होते हैं, सॉइल में वायबल कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं और ये स्क्लेरोशिया सॉइल में कम से कम 6 to 8 months तक वायबल रह सकते हैं यानी कि अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो यह 6 to 8 अगर ज़रूरी नहीं कि उसे फेवरेबल कंडीशन मिले, कंडीशन हो या ना हो लेकिन वह अपने आप को जीवित रख सकते हैं सॉइल में 6 to 8 months के लिए। तो अगर हम नेक्स्ट सीजन में फिर से अगर हम क्रॉप सोइंग करते हैं इस तरह के फील्ड पे तो वहाँ पे क्या होगा, सिम्टम डिसीज़ फिर से फील्ड में आपको देखने को मिल सकता है। सो ये था प्राइमरी इन्फेक्शन। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट और एयर बॉर्न कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर के कारण। जैसे कि मैंने आपको सिम्टम्स में ही बताया था कि जो हनी ड्यू ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट क्या करेंगे, जब
इस तरह के इन्फेक्टेड स्पाइकलेट्स में फीडिंग करेंगे तो वो क्या होता है, वो अपने बॉडी में हनी ड्यू को, यानी कि आपका जो माइक्रो और माइक्रोकोनिडिया है, उसको अपनी बॉडी में एक्वायर कर लेंगे, और जब वो किसी हेल्दी प्लांट में फीडिंग करते हैं तो वहाँ पे वो माइक्रो और माइक्रोकोनिडिया को क्या करेंगे, इस्टेब्लिश कर देंगे। इसके अलावा जो स्क्लेरोशिया, अगर वो रप्चर हो जाता है तो उसमें क्या होंगे, एस्कोस फॉर्म। इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से आपका हनी ड्यू स्टेज में आपका माइक्रो एंड माइक्रोकोनिडिया फॉर्म हो रहा है। माइक्रोकोनिडिया के बाद क्या हो रहा है, उसमें स्क्लेरोशियल स्टेज बन रहा है। ये स्क्लेरोशियल स्टेज क्या होते हैं, उसी में आपका ये स्क्लेरोशिया अगर हम नेक्स्ट सीजन में जर्मिनेट करते हैं, है ना, नेक्स्ट सीजन में अगर हम इस तरह के इन्फेक्टेड स्क्लेरोशिया मिक्स सीड को अगर हम जर्मिनेट करते हैं तो फिर से डिसीज़ जर्मिनेट होगी, और या तो फिर क्या होगी, जो डिसीज़ है वह एयर के थ्रू, जो स्क्लेरोशिया है या तो वो कोलेट्रल होस्ट में चले जाएंगे या फिर एयर के थ्रू ट्रैवल करके अन्य हेल्दी प्लांट में डिसीज़ फैला देंगे। जो इसके स्क्लेरोशिया है वो कम से कम 11 मीटर तक का डिस्टेंस में ये ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसके जिसका 11 इन्फेक्टेड प्लांट के 11 मीटर के पेरीफेरी में जितने भी हेल्दी प्लांट है तो वो इतने प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है, जो कि जिससे बहुत ही ज़्यादा इल लॉस हो सकता है। सो ये था आपका डिसीज साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका फेवरेबल कंडीशन। सो इसके फेवरेबल कंडीशन है आपका, एक तो ड्रिजलिंग रेन विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80% एंड मॉडरेट टेम्परेचर बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज पे एयर मूवमेंट भी डिसीज़ को बहुत ही फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में अगर एयर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या होंगे, कुनीडिया को अपने साथ एयर में, कुनीडिया एयर में ट्रैवल करके अन्य हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देंगे, तो इसीलिए यह इस प्रकार से यह डिसीज़ को स्प्रेड करने में फेवर करता है। इसके अलावा हैवी रेनफॉल कम्बाइंड विथ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी गेव द हाइस्ट इंसिडेंट ऑफ द डिसीज़, यानी कि अगर हैवी रेनफॉल और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों ही एक साथ हो, जब हैवी रेनफॉल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों कम्बाइंड हो एक साथ, तो जो डिसीज़ का इंसिडेंस है वो क्या होगा, हाइएस्ट होगा। सो ये था इसका फेवरेबल कंडीशन। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। सो जैसे कि मैंने बताया, जो डिसीज़ है वो मोस्टली ऐसे हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी के टाइम पे ज़्यादा फेवर करता है डिसीज़ को, तो हमें इस तरह के कंडीशन को क्या करना है, अवॉइड करना है। इस तरह के कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमें सोइंग डेट में एडजस्टमेंट करना होगा, ताकि जो क्रॉप का जो फ्लावरिंग स्टेज है वह हाई रेनफॉल और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टाइम पे ना हो। सो इस तरह से हम सोइंग डेट को एडजस्ट करके डिसीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उसे एस्केप कर। इसके अलावा जो सीड्स हैं, सीड का हमें ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करेंगे, जो सीड है उसको हमें 10% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन पे स्क्लेरोशिया सीड को हमें पानी में डाल देना है, सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल देना है। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन में, इससे क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम स्क्लेरोशिया सीड्स को सॉल्ट डालते हैं तो जो स्क्लेरोशिया होती हैं वो स्क्लेरोशिया क्या हो जाएगी, वो पानी के ऊपरी सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएगी, जिसे हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं, और हेल्दी सीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ये था आपका सीड ट्रीटमेंट विथ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका इराडिकेशन ऑफ कोलेट्रल होस्ट। जैसे कि यह डिसीज़ क्या है, कोलेट्रल होस्ट में भी सर्वाइव कर सकता है, तो हमें क्या करना है, हमेशा फील्ड में कोलेट्रल होस्ट यानी कि जितने भी वीड्स हैं उनको रिमूव करना, यानी कि हमें प्रॉपर फील्ड सैनिटेशन का फॉलो करना है। हमें फील्ड में किसी तरह का भी अनवांटेड क्रॉप और अनवांटेड होस्ट नहीं रहने देना। इसके अलावा हम रेसिस्टेंट वैरायटी भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिस्टेंट वैरायटी के लिए हम PHB 10 & 14, CO 2 & 3 एंड Bajra 24 का यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिसीज़ के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा हम केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जायरम @0.2% और कार्बेंडाजीम @0.1% और मैनकोजेब @0.2% एट द बूट लीफ एंड फ्लावरिंग स्टेज। जो ये केमिकल्स हैं, जैसे कि जायरम, कार्बेंडाजीम, मैनकोजेब, इनको क्या करना है, हमें हमेशा
क्रॉप के बूट लीफ स्टेज पे और फ्लावरिंग स्टेज पे अप्लाई करना है, जिससे डिसीज़ क्या होगी इफेक्टिवली कंट्रोल होगी। क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पे ही आपका क्या होता है, जो पैथोजन का सिम्टम्स, पैथोजन इन्फेक्टेड स्पाइकलेट्स अपने सिम्टम शो करना स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए हमें बूट लीफ स्टेज को एंड फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पे ही स्प्रेइंग करनी है। ये था आपका मैनेजमेंट। इसके अलावा भी हम अन्य टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉपर फील्ड सैनिटेशन यूज़ करना है। आप फील्ड सैनिटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप वो कर सकते हैं, आपका हैंड्स पिकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर या आप वीडिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको मैन्युअली हैंड से भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये डिसीज़ क्या था, सॉइल के मेज के स्क्लेरोशिया के वायबल होने के कारण हो रहा है, तो हमें क्या करना है, या तो हमें क्रॉप रोटेशन का प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हमें डीप प्लाविंग करनी चाहिए समर के टाइम में, क्योंकि अगर स्क्लेरोशिया सॉइल में प्रेजेंट हो तो वो क्या करेंगे, सन हीट से स्क्लेरोशिया क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। सो इस तरह से हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बाजरा में हमें दो मुख्य रोगों के बारे में पढ़ना था, जो कि था आपका एलगट ऑफ बाजरा एंड पर्ल मिलेट ऑफ बाजरा, जो कि हमने दोनों ही कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे क्रॉप के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।